हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के मनान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्ष स्थल मेरे तीव्र बाणों से। शस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। अभिनंदन राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। स्वागतम युवराज मेघनाथ, सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव, मेघनाथ के सामने आकर क्यों अकाल मृत्यु को बुला रहे हो? कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो, आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो, स्वामी तक पहुँचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। Yeah!
देता हूँ। आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुँचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण, शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है, लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर रहे लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। हे गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस करजने वाले मेघ के मनान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। Thank you.
मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, नहीं पीछे पाँव हटाता है, पीछे पाँव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे, एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित सबको, लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीम डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए, निश्चय ही है उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है।
ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया, अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं, सावधान रहना वीर कुमार। शस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नाग पाश दियो डार। जामवंत अनर्थ हो गया, श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंध कर धर्मशाही हो गए। प्रभु अयोध्या पति मूर्छित हो गए। अरे अरे लक्ष्मण जी आहत हो गए, क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी आपका कहना सत्य था, इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा, सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश सेने विधाता भी नहीं बचा सकेंगे, युद्ध अंत हुआ समझो, जाओ जाकर उत्सव मनाओ। को सचेत करें वे अचेत भय हो तो कौन जगावे, संकट में तन हारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे, पार लगावन हारे जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे, जो देखे वही निर्वाह। अभिनंदन राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है, तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री, शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव अंगद जामवंत हनुमान राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे।
विभीषण कुंभकर्ण नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाथ की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था, फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था, और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवन जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी, पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे। नहीं महाराज, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र, किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल कर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी, प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है, तो मैं भी जी के क्या करूंगी। संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय
कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नाग पाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं, बस ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े हैं। ऐसे में आप किस सोच में पड़े हैं? नारद जी, स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है, क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा, अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्या नाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार। नारायण के दर्शन होंगे धन धन भाग हमारे, धन धन भाग हमारे। बस एक झलक की ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे, धन धन भाग हमारे। श्रीमन नारायण गरिमा गायन
निज दिन दीना भुवन करे भाव भाव भय भंजन नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी पाप ताप संताप हरे नित नारद शारद शेष महेश्वर पार न पावे ध्यान धरे मोहे दूजी चाहन करी के वाहन राखो संग तिहारे धन धन भाग हमारे जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। वो देखो पवन पुत्र बजरंगबली अंजने आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि हे शांताकारम तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय। प्रभु मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्रनाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही
इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे प्रभु। का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतरिया। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा काब सर मोहे दीन हो, बहुत अनुग्रह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वन कर तो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि।